नाम में नारी वंदन कोई नया नहीं है, हमारी संस्कृति है। यत्र नारी यंतु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। प्रधानमंत्री ने उनके लिए संसद में 33% का आरक्षण देकर नया कानून बनाया, जिसे नाम दिया नारी शक्ति। वंदन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी देश विकसित राष्ट्र बनेगा। देश की नई संसद में पहला जो कानून बना वो महिलाओं के आरक्षण का, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये बात केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला सम्मेलन में उन्नाव में कही। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में धुएं से माँ की आंख में आंसू देख उन्होंने प्रण किया, यदि मुझे सेवा का कोई अवसर मिला तो किसी माँ की आंख में आंसू से धुएं नहीं आने दूंगा, और उज्ज्वला योजना लाए। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर सक्षम लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिसका लाभ मिलेगा। मेघवाल ने आगे बताया, प्रधानमंत्री ने महिलाओं को ध्यान में रखकर लाल किले की प्राचीर से 10 करोड़ शौचालय बनाने का प्रण लिया, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री नामुमकिन कहते थे, लेकिन मोदी ने बहुत ही आसानी से इसको मुमकिन किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। नारी शक्ति वंदन का मैंने देखा इतना बड़ा काम, और प्रधानमंत्री जी ने मेरे से करवाया। मैं नमो मंत्री के नाते मैंने केस किया लोकसभा में, पायलट मैंने किया। मेरा मोदी ने अवसर दिलाया है नारी को वंदन करने का, मोदी ने अवसर दिलाया। अगर हमने 50% आबादी को पीछे रह, नारी को वंदन करने का, मुझे दो MP ओबीसी और उनकी पार्टी के दो विरोध में गए लोकसभा में, और राज्यसभा में 100% विरोध करने वाले भी इस बिल का विरोध नहीं कर पाए। मोदी है तो नारी को वंदन करने मोदी ने आया है संसद से पास कराया है वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। नारी को वंदन करने आपको तो आनंद आ रहा है, इनके लिए ताली बजाओ जोर से। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।